हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल सो आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर देखने वाले हैं 2024 के ही देखेंगे जनवरी से लेकर अभी तक के जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हु विल बी द फ्लैग बियर ऑफ इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स ट्वेंटी पेरिस ओलंपिक दो की ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से फ्लैग बियर रहने वाले हैं शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं दो में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला था और इनको चुना गया है एज़ इंडियन टीम्स फ्लैग बेयर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड हिस्ट्री एज इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स ये हैं बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं हमने इन्हें एशियन गेम्स के टाइम पर देखा था वहाँ भी जूरी मेम्बर इनको बनाया गया था और अभी पहली फीमेल बनी है इंडिया की जो पेरिस ओलंपिक्स में जूरी मेम्बर हैं कैनोइंग प्लेयर ये हैं ठीक है नाइनटीन में इन्होंने अपना कैनोइंग करियर शुरू किया था एशियन गेम्स में भी जूरी मेंबर थी ये फिर हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं तो समर ओलंपिक्स 2020 में जो हुए थे ये टोक्यो में हुए थे 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बेच और हेड क्वार्टर है इसका लुसानी स्विट्जरलैंड में अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हैं जहाँ पर मेडल्स देख लेते हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं तो समर ओलंपिक 2021 में जो हुए यूएसए ने टॉप किया विद 113 मेडल्स मैस्कॉट था मिराई तोवा थर्टी सेकेंड एडिशन था इसका टोक्यो जापान के द्वारा होस्ट किया गया इंडिया की पोजीशन थी फोर्टी एट टोटल मेडल भारत ने सात जीते जिसमें से वन गोल्ड टू सिल्वर और फोर ब्रॉन्ज मेडल्स थे समर पैरालंपिक 2021 में हुआ इसमें चाइना ने टॉकिया विथ टू जीरो सेवन मेडल्स मैस्कॉट था इसका सोमेटी सिक्सटीन एडिशन था टोक्यो जापान में ये भी हुए थे इंडिया की पोजिशन इसमें ट्वेंटी थी टोटल मेडल्स भारत ने नाइनटीन जीते जिसमें से पाँच गोल्ड आठ सिल्वर और छः ब्रॉन्ज मेडल्स थे अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो हुए इनमें देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया विद 178 सेवेंटी एट मेडल्स मैस्कॉट था पेरी द बुल ट्वेंटी सेकेंड एडिशन था बर्मिंग इंग्लैंड में ये होस्ट किए गए बर्मिंग के द्वारा इंडिया की पोजीशन इसमें फोर्थ थी टोटल मेडल भारत ने जीते 61 जिसमें से 22 गोल्ड 16 सिल्वर और 23 थ्री ब्रॉन्ज मेडल्स थे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस प्लेयर्स ऑफ द ईयर फॉर 2023 इन द एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड हॉकी इंडिया अवार्ड में मेंस प्लेयर ऑफ़ द ईयर हार्दिक सिंह हैं ऑप्शन बी करेक्ट है वेमेन कैटेगरी में सलीमा देते हैं पच्चीस लाख रुपए मिलते हैं हॉकी इंडिया अवार्ड के द्वारा प्लेयर्स ऑफ द ईयर को इसके अलावा हार्दिक सिंह जो हैं एफ प्लेयर ऑफ़ द ईयर भी रह चुके हैं बलबीर सिंह ट्रॉफी इनको मिल चुकी है और इसमें भी पच्चीस लाख रुपये कैश प्राइज़ दिया जाता है गोल ऑफ़ द ईयर पी आर हैं विच टीम हैज़ स्कोर्ड हाइएस्ट टोटल इन द आई पी एल हिस्ट्री ये टीम है सनराइजर्स हैदराबाद आई पी एल अभी चल रहे हैं मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने टू सेवेंटी सेवन रन बनाए थे थ्री विकेट्स पर और यहाँ पर अगर देखें टॉप हाइस्ट स्कोर्स आई पी एल हिस्ट्री में कौन कौन से रहे हैं तो एक तो यही है सनराइजर्स हैदराबाद का टू सेवेंटी सेवन रन तीन विकेट पर मुंबई मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट खेलते हुए दो हज़ार चौबीस में ये रन बनाए गए हैं फिर के के आर ने भी दो हज़ार चौबीस में ही सेकेंड uh, हाइएस्ट स्कोर बनाए हैं 272 सेवेंटी सात विकेट पर दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेलते हुए और 2013 में आरसीबी ने बनाए थे 263 सिक्सटी थ्री पाँच विकेट पर तो ये है टॉप हाईएस्ट स्कोर आईपीएल हिस्ट्री के हु बिकेम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन इन ए रैंकिंग हिस्ट्री ये हैं सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है ये बने हैं ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन इन ए रैंकिंग हिस्ट्री 24 फोर टाइम ग्रैंड स्लैम चैम्पियन है ये यंगेस्ट नंबर वन ए रैंकिंग में कार्लोस अलका स्पेन के ये 2022 में इनको नंबर वन रैंकिंग पर रखा गया था एट द एज ऑफ 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ये टाइटल जीता है कार्लोस सेंस ने फरारी के ड्राइवर हैं जी साथियन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स जी साथियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये फर्स्ट एवर इंडियन बने हैं टू विन अ मेंस सिंगल्स ट्रॉफी एट डब्ल्यू फीडर सीरीज इवेंट बेरूत लेबनान में ये इवेंट हुआ था हु इज द न्यू कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स सी एस के कैप्टन कौन है ऋतुराज गायकवाड़ हैं एम एस धोनी को रिप्लेस करके इनको नया कैप्टन बनाया गया है फिर गुजरात टाइटन्स के कैप्टन है शुभमन गिल मुंबई इंडियंस के हैं हार्दिक पांड्या और सनराइजर्स हैदराबाद के हैं पैट कमेंस यहाँ पर थोड़े वन लाइनर्स देख लेते हैं हॉकी प्लेयर पी आर सृजेश एंड कैमिला कैरम इन्हें अपॉइंट किया गया है को चेयर्स ऑफ एफ आई एच एथलीट्स कमेटी शर्फुद्दौला बांग्लादेश के पहले आईसीसी सी सी अलीट एम्पायर बने हैं इंडिया के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन इन्होंने जीता है मेंस डबल्स टाइटल एट द मियामी ओपन 2024 महाराष्ट्र टीम इमर्ज होकर आई है एज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एट द फिफ्टी नेशनल खो खो चैंपियनशिप मेन्स और वुमेंस दोनों ही टाइटल्स महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए हैं मैक्स वर्ल्ड ने जीता है एफ वन साउदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स मुंबई ने जीता है 2024 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र बने हैं यंगेस्ट क्रिकेटर टू विन सर रिचार्ड हेडली मेडल सिक्स नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जमशेदपुर में हुई फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन uh, में मेंस डबल्स का टाइटल चिराग शेट्टी और सात्विक सायराज रैंकी रेड्डी ने जीता है अखिल शिरोन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस इवेंट एट आई वर्ल्ड कप इन कायरो अभिनव बिंद्रा को सेलेक्ट किया गया है एज द टॉर्च बियर फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी पेरिस ओलंपिक्स टॉर्च बियर अभिनव बिंद्रा हैं और फ्लैग बियर कौन होंगे शरद कमल होंगे दोनों को याद रखिएगा विच टीम वंदर डब्ल्यू पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टाइटल प्रीमियर लीग 2024 का टाइटल जीता था आर सी बी ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट से हरा कर आरसीबी की कैप्टन स्मृति मंदाना और दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन मेग लेनिन थी विच टीम वंदर रणजी ट्रॉफी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टाइटल मुंबई के द्वारा ये टाइटल जीता गया है रणजी ट्रॉफी पहली बार 1934-35 में खेली गई थी और तब भी बॉम्बे जीता था बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है ये इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट कंपटीशन है ये रणजी ट्रॉफी मुंबई जीता है 2024 का टाइटल विदर्भ को हरा कर विच टीम वन संतोष ट्रॉफी 2023-24 संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीती है सेवन टाइटल है ये सर्विसेज का रनरअप इसमें था गोवा एक फुटबॉल टूर्नामेंट है ये संतोष ट्रॉफी सीजन 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 ऑफ़ प्रो प्रो कबड्डी कबड्डी लीग लीग 2024 का tenth season, tenth season खेला गया 2024 में और इसको पुनेरी पल्टन के द्वारा जीता गया है पुनेरी पल्टन का पहला टाइटल है ये हरियाणा स्टीलर्स को हराकर ये जीता है इसमें बेस्ट रेडर रहे आशु मलिक तबंग दिल्ली से खेलते हैं बेस्ट डिफेंडर थे मोहम्मद रजा शादलोई ये पुनेरी पल्टन से खेलते हैं बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर योगेश दहिया थे ये दबंग दिल्ली से खेलते हैं और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे इसमें असलम इनामदार ये पुनेरी पल्टन की तरफ से खेलते हैं हु बिकेम द थर्ड बोलर टू तो क्लेम सेवन हंड्रेड विकेट इन दिस्ट्री ऑफ द टेस्ट क्रिकेट ये है जेम्स एंडरसन ऑप्शन ए करेक्ट है इंग्लैंड के प्लेयर हैं थर्ड प्लेयर बने हैं ये सेवन हंड्रेड विकेट लेने वाले ये थर्ड हैं तो इनसे पहले के दो कौन से हैं नंबर वन पर हैं मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट्स ले चुके हैं ये शेन वॉन के हैं 708 और जेम्स एंडरसन के हैं 700। हंड्रेड हु हैज़ बिकम आई सी सी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फेब्ररी 2024 ये हैं यशस्वी जायसवाल विमेन कैटेगरी में आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ है एना सथरलेन सथरलैंड ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसे इसेब्लिस किया गया था हेडक्वार्टर है दुबई यू में चेयरमैन है ग्रेग ग्रेकबर्गले और सीईओ है एलर्डिस टीम टीम वन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 आर्मी की टीम जो है इसके द्वारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स जीते गए हैं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ये गेम्स हुए थे चैम्पियन है इंडियन आर्मी टीम जिसने टेन गोल्ड फाइव सिल्वर और सिक्स ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं मैस्कॉट था इसका स्नो लेपर्ड नेम्ड शीन ए शी या फिर शान हो वन द टाइटल ऑफ सिक्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, ट्वेंटी फोर सिक्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है सेकेंड uh, नंबर पर इसमें था तमिलनाडु थर्ड पर हरियाणा रहा है चार शहरों में ये गेम्स हुए थे चेन्नई मदुरई त्रिची और कोयम टूर मैस्कॉट था इसका वीरा मंगई और स्पोर्ट्स uh, डेब्यू जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार किया गया वो है स्क्वैश विच टीम वन द टाइटल ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 ये टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने फोर्थ टाइटल था ऑस्ट्रेलिया का इंडिया को हराकर जीता है ऑस्ट्रेलिया हॉस्ट कौन सा देश था साउथ अफ्रीका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें कुेना मफाका और प्लेयर ऑफ द मैच थे माहली बियर्डमैन हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सिंगल्स टाइटल ये टाइटल जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया इटली के प्लेयर हैं डेनिल मेदेदेव जो कि रशिया के हैं उनको हरा जीते हैं जेनिक सिनर अगला क्वेश्चन है हु हैज हैजन द वुमेन सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ट्वेंटी ये जीता है एरिना सब्बेलका ने बेलारूस की प्लेयर हैं इन्होंने चाइना की जेंग किनवेन को हराया है इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का लास्ट ईयर का भी एरिना सब्बेलिंका के द्वारा ही जीता गया था अगला क्वेश्चन है हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ट्वेंटी फोर डबल्स टाइटल मैंस डबल्स का टाइटल इसमें रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन के द्वारा जीता गया है रोहन बोपन्ना इंडिया के हैं मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और रोहन बोपन्ना को पद्मश्री 2024 का दिया गया है इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है यहाँ पर देख लेते हैं लिस्ट सारी ऑस्ट्रेलियन ओपन की 2024 में चैंपियन मेंस कैटेगरी में जेनिक सीनर इटली के हैं वेमेंस सिंगल्स टाइटल एरिना सेवेलिंग का जीता मेंस डबल्स टाइटल रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन वेमेंस डबल्स टाइटल सी से वई एसूवेई और एलिस मोर्टिस् हैं हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द आई सी सी मेन्स ओ डी आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये है विराट कोहली मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी विराट कोहली ही थे और इसके अलावा मोस्ट ओ डी आई हंड्रेड्स इन्होंने बनाए हैं ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है इस साल यहाँ पर देख लेते हैं आईसीसी अवार्ड्स मेंस कैटेगरी में जो मिले हैं आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है पैट कमिंस आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव टेस्ट क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर उस्मान ख्वाजा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड अकील हुसैन को मिला है आईसीसी इमर्जिंग मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर है रचिन रविंद्र मेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बी डे लीड आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर एम्पायर ऑफ द ईयर को डेविड शेफर्ड अवार्ड मिलता है यह मिला है रिचर्ड इलिंगवर्थ को इंग्लैंड के और ये पर्सन है हु हैज़ हैजिन सेलेक्टेड एज द आई सी सी वेमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये है नेट सीवर ऑप्शन डी करेक्ट है इंग्लैंड की ऑलराउंडर है नेट सीवर और लगातार दूसरी बार इनको आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है दो हजार बाईस में इन्हें रिचल हेओ फ्लिंट ट्रॉफी दी गई थी अब यहाँ पर आई सी सी वेमेंस अवार्ड सारे देख लेते हैं दो वेमेंस क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर है नेट सिवर वेमेंस ओ क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर हैं हमारी आधा पथतू श्रीलंकन प्लेयर हैं आई सी सी वुमेंस टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है हेली मैथ्यूज़ इमर्जिंग वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फोएबे लिचफील्ड और आई सी सी वुमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं क्विंटर एबेल केन्या की विच टीम वन विजय हजारे ट्रॉफी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ये ट्रॉफी हरियाणा ने जीती है राजस्थान को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे टूर्नामेंट भी कहते हैं अब इसमें सबसे ज्यादा रन बनाए हैं अरसलन खान ने चंडीगढ़ के मोस्ट विकेट्स लिए हैं वरुण चक्रवर्ती ने तमिलनाडु के और विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की सौराष्ट्र के द्वारा जीती गई थी इस बार की हरियाणा ने जीती है हु विल बी अवारेड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ट्वेंटी तो ये याद हो गया होगा अच्छे से चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी इन दोनों प्लेयर्स को मिला है बी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन प्लेयर ये रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के पहले अवार्ड ही थे विश्वनाथन आनंद लास्ट ईयर मिला था शरद कमल को और इस बार मिल रहा है इन दोनों प्लेयर्स को शीतल देवी इज रिलेटेड टू विज स्पोर्ट्स हु विल बी ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड 2023। शीतल देवी पैरा आर्चरी से संबंधित हैं और रिसेंटली इन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में भी अपॉइंट किया गया है ठीक है शीतल देवी सिक्सटीन ईयर ओल्ड आर्मलेस आर्चर हैं और ये बनी थी पहली इंडियन वुमेन टू विन टू गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द एशियन पैरा गेम्स पहला इन्होंने वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड में गोल्ड जीता दूसरा कंपाउंड मिक्सड टीम इवेंट में जीता फिर तो वुमेन्स डबल्स में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था अर्जुन अवार्ड इनको दिया जा रहा है इनके अलावा 25 और प्लेयर्स को मिल रहा है तो टोटल तो 2023 में 26 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड दिया गया है 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी और ये सारे वो 26 स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड 2023 का दिया गया इन सबको पढ़िएगा सबके स्पोर्ट्स कौन से स्पोर्ट फील्ड से बिलोंग करते हैं ये याद रखिएगा अच्छे से हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर इन आई पी एल हिस्ट्री ये है मिचल स्टार्क के के आर की तरफ से खेलते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर रहे हैं आई पी एल में इनके बाद सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर पैट कमिंस हैं विच टीम वन द टाइटल ऑफ अंडर नाइन्टीन एशिया कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये टाइटल जीता है बांग्लादेश ने रनर अप था इसमें यू ए यू ए में ही ये एशिया कप हुआ था अंडर नाइन्टीन एशिया कप विच स्टेट वन द मोस्ट मेडल्स इन द फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसमें मोस्ट मेडल्स हरियाणा के द्वारा जीते गए हैं सेकेंड प्लेस पर यूपी रहा थर्ड पर तमिलनाडु नई दिल्ली में ये हुए थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहले मैस्कॉट था इसका उज्ज्वला और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है उनतीस अगस्त को होता है हरियाणा इसमें टॉप पर रहा है विद 105 जीरो मेडल्स जिसमें 40 गोल्ड 39 सिल्वर और 26 सिक्स ब्रॉन्ज मेडल्स थे अब आगे देखते हैं कुछ और स्पोर्ट्स करेंट अफेयर फीफा क्लब वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी मैनचेस्टर सिटी ने जीता इंडिया के एटी फोर्थ चेस ग्रैंड मास्टर ये हैं वैशाली रमेश बाबू विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीती राजस्थान को हराकर मिचेल स्टार्क आईपीएल में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे अमेजन ने एक्वायर किया आई क्रिकेट राइट्स को फॉर ऑस्ट्रेलिया टिल 2027 ट्वेंटी ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 4000 थाउजेंड टी ट्वेंटी रनस लियडर पेस और विजय अमृतराज बने हैं फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड इन टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम चाइना का निंगबो शहर होस्ट करेगा वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 को और आई वर्ल्ड चैंपियंस अवार्ड 2023 में मेन सिंगल्स का टाइटल नोवाक जोकोविच और वेमेन सिंगल्स का टाइटल अरेना सिबलिंका ने जीता है न्यूयॉर्क हॉस्ट करेगा 2026 फीफा का फाइनल मैच रविचंद्रन अश्विन बने हैं सेकेंड इंडियन बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस आईसीसी ने बैन किया है यूके क्रिकेटर रिजवान जावेद को फॉर ओवर 17 इयर्स फॉर मैच फिक्सिंग पाकिस्तान के बाबर आजम बने हैं क्विकेस्ट टू टेन थाउजेंड इन टी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है इंडिया की जो विमेन टीम है उसने जीता है टाइटल सऊदी अरबिया होस्ट करेगा ट्वेंटी थर्टी फोर का फीफा वर्ल्ड कप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन है पंजाब पंजाब का ये पहला टाइटल है श्रीलंका के एंजलो मैथ्यूज़ बने हैं फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट टाइम आउट हॉकी पंजाब के द्वारा थर्टीन हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप जीती गई मैक्स वर्स ने जीता है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स अनिश भनवाला बने हैं पहले इंडियन शूटर टू विन अ मेडल इन 25 मीटर रैपिड फायर एट आई वर्ल्ड कप फाइनल अनाहत सिंह बने हैं सेकेंड यंगेस्ट टू विन नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल पंकज आडवाणी ने जीता वर्ल्ड वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप फॉर रिकॉर्ड ट्वेंटी टाइम आई ने बैन किया ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को फ्रॉम इंटरनेशनल वमेंस क्रिकेट फिर है नोवाक चोकोविच सर्बिया के प्लेयर और एरेना सबेलिंग बेलारूस की ये दोनों 2023 ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन अमिताभ बच्चन ओनर बने हैं मुंबई टीम के इन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ऋतुराज गायकवाड़ फास्टेस्ट इंडियन है टू स्कोर 4000 थाउजेंड रन इन मेन्स टी ट्वेंटी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का स्टेचू अनवील किया गया है वानखेड़े स्टेडियम में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम ऑन द आईसीसी वर्ल्ड कप ट्वेंटी टाइटल ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत इसमें रनर अप था फाइनल मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में प्लेयर ऑफ़ द मैच थे ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट थे विराट कोहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर इंडिया में आ, ये मैच हुए ये वर्ल्ड कप हुआ और मैस्कॉ था इसका ब्लेज एंड टोंक हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर फिफ्टी सेंचुरीज इन ओ क्रिकेट यह है विराट कोहली जिन्होंने ओ क्रिकेट में पचास सेंचुरीज अपनी कंप्लीट की हैं सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर ही उनसे आगे निकल गए हैं इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स इनके द्वारा बनाए गए हैं जैसे कोहली स्कोर अट टन इन वन जीरो सिक्स डिलेवरीज अगेंस्ट द न्यूजीलैंड टू गो पास्ट सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड फिर ये बने हैं पहले प्लेयर टू स्कोर मोर देन सेवन हंड्रेड रन इन अ सिंगल वर्ल्ड कप सीजन और वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द तो टूर्नामेंट भी यही थे अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हु विल बी द फ्लैग बियर ऑफ इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर विराट कोहली नीरज चोपड़ा शरद कमल या फिर लवलीना बोरकहन आंसर बताइएगा इस कमेंट में और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जय हिंद